नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के आजाद नगर पुलिस ने एक ठग के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। उसने दो युवकों को नगर निगम में सुपरवाइजर बनाने के नाम पर 7 लाख ठग लिए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में राजजी बाजार इलाके में प्रकरण दर्ज हुआ था, वो तब से जेल में ही है। TI इंद्रेश त्रिपाठी के अनुसार आरोपी ध्रुव वर्मा के खिलाफ एक प्रकरण फरियादी प्रतीक रायकवार निवासी मूसाखेड़ी और दूसरा प्रकरण प्रवीण सिंह चौहान निवासी इद्रीश नगर की शिकायत पर दर्ज हुआ है। प्रतीक रायकवार से आरोपी ध्रुव ने 2 लाख जबकि प्रवीण आजाद नगर से 5 लाख ले लिए थे। वहीं प्रायोगिक परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। आरोपी ने दोनों को झांसा दिया कि वो नगर निगम में सुपरवाइजर की नौकरी लगवा देगा। आरोपी ने व्हाट्सएप पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दे दिए थे। इंदौर में पोस्टिंग दिलवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ध्रुव वर्मा फिलहाल जेल में बंद है। इंदौर में भी उसने इसी तरह से किसी को ठगा था, तब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक लड़का है प्रवीण चौहान, ये यहाँ तैयारी कर रहा था एग्जाम की। इसको एक इसका दोस्त मिला, उसने बोला यार एक मेरे परिचित है, वो काम करा देंगे, ये नौकरी लगवा देंगे। ये ध्रुव वर्मा से मिला, तो ध्रुव वर्मा कई लोगों को बोलता था कि मेरी अच्छी पहचान है और मैं नगर निगम में पूरे मध्य प्रदेश का सुपरवाइजर हूँ, मैं कहीं भी तुम्हें सेट करा दूंगा। जिसमें 2 लाख रुपए की डिमांड थी, इसने कहा मैं बाहर नहीं जाना, इंदौर में चाहिए। तो बोले इंदौर में लोकल है, क्रेज भी ज़्यादा है नगर निगम का, और प्रॉपर इंदौर मिलेगा तो 5 लाख लगेंगे। तो उससे 5 लाख रुपए ध्रुव ने लिए, और जब इसने ज्वाइनिंग का पूछा कि कब करना है, तो लेटर तुम्हें दे रहा हूँ मैं, इसने फर्जी एक नियुक्ति पत्र बना के दे दिया। जब ये वहाँ पहुँचा तो मालूम पड़ा कोई चीज़ तो फर्जी है। तो इसके ध्रुव वर्मा के विरुद्ध में धारा 420 406 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है, और यह भी पता किया जा रहा है कि और कितने लोग हैं, किन के साथ धोखाधड़ी की है। तो सभी पूरे जिले में और अन्यत्र भी मैसेज करके एक जानकारी छुटाई जा रही है, तो उनके भी आवेदन लेके फिर कार्रवाई करेंगे। एक व्यक्ति है प्रतीक रायकवार, जो अपना छोटी दुकान किए हुए हैं, पढ़ाई कर चुका था। इसको इसका एक परिचित है ध्रुव वर्मा, जो रिश्ते में इनका पिता का भाई माई चाचा बोलता है इसको, ये रहता जूनी इंदौर में, कुछ दिन यहाँ मूसाखेड़ी में रहा है। तो इसने इससे बात की, बोले चाचा नौकरी कहीं लग जाएगी क्या? तो उसने बोला एक काम करो, मैं पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम में सुपरवाइजर हूँ, मैं तुम्हें कहीं भी नौकरी लगवा सकता हूँ, असिस्टेंट की नौकरी, और बढ़िया 20-25 हज़ार महीने मिलेंगे। बोले व्यवस्था करो पैसे की। तो 2 लाख रुपये प्रतीक ने घर वालों से इकट्ठे करके इसको दिए, और टालम टोली करता रहा, बोले तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आएगा। फिर इसने बोला चाचा ज्वाइन करना, बहुत दिन हो गए। तो उसने उसको एक नियुक्ति पत्र दे दिया बना के, टाइप करा हुआ नगर निगम इंदौर का, सील तो नहीं थी लेकिन ऊपर नगर निगम इंदौर लिखा हुआ है कि आपको असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया जाता है, आप ज्वाइन करें। जब ये पहुंचा तो बोले तो सब फर्जी। फिर इसने पता किया, उससे बात की, पैसे लौटाने का जब नहीं हुआ, थाने में कंप्लेंट की, तो उसके विरुद्ध धारा 420 406 IPC का मामला पंजीबद्ध किया गया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब।